पहला तो विषय यह कि धर्म को कैसे भजे, धर्म को कैसे धारण करे, धर्म क्या है, अधर्म की रति रीत को गति को समझना जरूरी है। और कदाचित अपने चित्त को श्री हरि के चरणों में समर्पित करो, जग की सेवा करो, खोज अपनी करो। हाँ, खोज अपनी, प्रेम हरि से धर्म है, खोज अपनी प्रेम हरि से। और जगत की सेवा, जग की सेवा, खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। संतों के संग रहो, संतों का संग करो, कल्याण हो जाएगा। चांदनी धाम वालों, एक छोटी सी बूंद पत्ते पे गिरती है तो ओस बन के चमकती है, वो छोटी सी बूंद जलते तवे पे गिरती है तो जल जाती है, वो छोटी सी बूंद सर्प के मुख में गिर जाती है तो जहर बन जाती है, और वो छोटी सी बूंद अगर सीपी में गिर जाती है तो चमकदार मोती बनकर प्रकट हो जाती है। बूंद तो बूंद ही है, पर संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि सारे दुखों का शमन हो जाता है, आनंद स्वरूप में व्यक्ति विराजमान हो जाता है। भागवत में बहुत महिमा है, संतों ने बड़ी महिमा गाई, सनत कुमारों ने महिमा गाई, प्रहलाद इत्यादि बहुत सारे भक्तों ने बहुत वाद्य यंत्रों के साथ हरि नाम कीर्तन किया। श्रीमद् भागवत के इस महात्म्य की चर्चा हम सुन रहे हैं। किसी चीज का महत्व बनाना हो तो उसकी कदर नहीं होती है ना, होती है क्या? लोग कहते हैं बंदरों को अदरक का स्वाद क्या पता। पहले गीत गाओ, पहले महिमा गाओ, पहले कहो वाह वाह ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, फिर थोड़ा मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। प्रथम स्कंद की कथा अधिकारी कथा है। जन्मादस्य यतोन व्याधि तर्तश्चार्थेश विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। कहके भागवतकार ने मंगलाचार किया है। और यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा का जो चित्रण किया गया, इसकी इसके इसका इसका चिंतन किया गया, उसमें ये हुआ कि कहा किसने, सुना किसने, सुनाया किसको और सुनाया किसने। ये बहुत सुंदर प्यारी कथा होती है। तो प्रथम स्कंद में महाभारत का पर्व, मृत्यु पर्व जहाँ पूरा होता है, वहाँ श्रीमद् भागवत के जीवन का अंकुर प्रस्फुटित होता है। आप सब जानते हो, मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को भगवान हस्तनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। वो कथा हम जानते हैं, जानते हैं ना, भगवान चाहते थे सब शांति से हो जाए, लेकिन उसने कहा कि मैं सुई की नोक की भू, जमीन भी बिना युद्ध के युद्ध को निमंत्रण दे रहा है तू। तो फिर भगवान ने कहा याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महा भीषण। चाहा था उसने कि भगवान मेरे भीतर आए और जरा राजसी भोजन करें। द्वारकाधीश भीतर तैयारी है भोजन की, तो भगवान बोले सुयोधन मुझे भूख नहीं है, बिना भूख के भोजन नहीं अच्छा होता करना, और वैसे भी बिना भूख के खाया जा सकता है, अगर अपना प्रिय आग्रह, अपना मित्र कोई, अपना प्रेमी कहे ना खा लो खा लो खा लो तो खाया जा सकता, ऐसे कैसे करे, ऐसे कैसे होगा। और वे जो द्वारकाधीश भगवान की शोभा यात्रा में प्रभु को देख के हृदय में सोच रही थी, हमारा द्वारकाधीश मारी कुटिया में क्या रे आओ,
भगवान गए थे ना, वहां गए थे ना, द्वार पर जाके दस्तक दे दी थी, काकी द्वार खोलो, आकुल व्याकुल विदुरानी ने द्वार खोल दिया था। वस्त्र भीगे पड़े थे, भगवान ने पीतांबर से ढक दिया था। काकी मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी, जल्दी से कुछ व्यवस्था करो। चूल्हे पे आग जल रही थी, बलटोही में शाक के पत्ते उबल रहे थे। भगवान ने बलटोही नीचे उतारी, कौर बना के मुख में रखने गए। वे व्याकुल सी दौड़ी गई, केले की गोठ तोड़ के ले आई, सम्मुख बैठ गई। इतनी अंदर आनंद का अनुभव था, होश नहीं, भाव प्रबल था, आंखों में अश्रुओं का प्रवाह था। सम्मुख बैठ के केले के छिलके उतार उतार के प्रभु को समर्पित कर रही हैं। भगवान खा रहे हैं और कह रहे हैं, विदुरानी ये तो बहुत मीठे हैं, ये तो बहुत मीठे। मैं तरस गया था देवी, मैं तरस गया था द्वारका में इस स्वाद के लिए। या तो यशोदा मैया की बेजर की रोटी में स्वाद था, और विदुरानी आज तेरे केले के छिलकों ने कमाल कर दिया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। विदुर आए थे और देख के देखा कि अरे ये क्या कर रही हो, भगवान को छिलके खिला रही हो, देखो मैंने कितना सामान खरीदा है दुकान से, चलो प्रभु के लिए मिठाई लाओ, भोजन बनाओ, जाओ वस्त्र बदलो देवी। और सम्मुख बैठ गए विदुर जी, छिलके फेंक दिए, केले की गिरी समर्पित की, भगवान ने मुख में रखी। फिर बोले विदुर जी, बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात कहूं विदुर जी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। विदुर ने कहा, प्रभु बोलो ना, आप बोलो। भगवान ने कहा, विदुर जी बुरा मत मानिएगा, जो स्वाद केले के छिलकों में था वो स्वाद केलों में नहीं है। विदुर जी चरणों में लोटपोट हो गए, प्रभु आप भोजन का आस्वादन नहीं करते नाथ। जो प्रेम विदुरानी के हृदय में है ना, वो प्रेम मेरे हृदय में नहीं, वो प्रेम विदुरानी के हृदय में, मैं उससे वंचित हूं। मैं ज्ञान का पोटला लिए भटक रहा हूं नाथ। विदुरानी ने प्रेम का तत्व समझ लिया, वे बड़े बड़े राजसी व्यंजनों का त्याग कर देते हैं। हम लोग कहते हैं ना, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची। और मैं ये प्रसंग क्यों कह रही हूं जानते हो देवियों, प्रेम तत्व को समझा नहीं है व्यास जी आपने, ये देव ऋषि नारद ने कहा था व्यास जी से। शम्य पराश, जहां शमी के वृक्ष के नीचे बैठ के जो प्राप्त हो जाए, जहां भीम शिला माणा गांव भारत का अंतिम गांव, जहां सरस्वती प्रकट हुई और विलुप्त हो गई, जहां व्यास जी विषण मुख बैठे हैं, बहुत जाना, बहुत जाना, बहुत जाना, बहुत लिखा, बहुत लिखा, वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, देव ऋषि ने कहा पर प्रेम नहीं जाना, प्रीत नहीं जानी, श्री कृष्ण के गुणानुवाद नहीं गाए, उनके चारू चरितों को चित्त में नहीं बसाया, इसीलिए इसलिए व्यास जी आपने खाया तो बहुत, पर आपको डकार नहीं आई तृप्ति की, क्योंकि अभी आप अधूरे हो, अभी आप प्रेम में आपका रमण हुआ नहीं। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंबरा जी के यूट्यूब चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।